मैडम गाड़ी किधर खड़ी रही है ना मैडम, गाड़ी किधर साइड में इधर। ध्वनि जी यहाँ पे देखिए ना, वही सुन रहे हैं एक घंटे से। मैम हैप्पी बर्थडे, मैम हैप्पी बर्थडे, मैम अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैम यहाँ पे देखिए सेंटर। ध्वनि जी यहाँ पे, ध्वनि जी यहाँ पे, बस ध्वनि जी यहाँ पे, ध्वनि जी लुक हियर। अरे कैमरे के पास चलिए, रुकिए रुकिए, आप सेंटर यहाँ पे एक बार यहाँ पे सेंटर में सब यहाँ पे देखेंगे। हाँ सब यहीं देखेंगे। सर साथ में सेंटर में
सर निकाल दो, हम लोग पेन लिया सर, हमने पेन है सेंटर जो भी देखो सेंटर थैंक यू चलो केक काटते हैं चले गए फिर अपन चले निकले चलो बूम रखो यार हाँ हाँ बाइट्स कर लेते हैं आजा भाई कोविड काउंट नहीं करूंगी तो मैं 22 साल की हूँ मेरा साल छूट गया घर पे सो आई एम स्टिल 22 इयर्स ओल्ड ओके गाना भी आज रिलीज हुआ है इसके बारे में बताइए कुछ बहुत स्पेशल गाना है आई फील you know Abhijeet and I had a collaborative effort on this his music is insane and Bhushan sir of course has given this amazing platform T series to us and iske pehle humne mukhra kuch alag banaya tha uske baad Bhushan sir said isko kaato aur dusra kuch karo aur acha nikla definitely and that's how Radha was made and Karan is a magician you know the video looks beautiful because of him Rajit was very patient Anu was very patient teaching me the choreography and mujhe bahut maza aaya ye gaane pe kaam karne ke liye aur I'm just very happy today we're standing here and I think he's doing pretty well so is it yes so far so good sir Bhushan ka birthday hai Again, congratulations, sir. जब भी I think कुछ दो या तीन घंटे हुए, again 5.5 कुछ cross कर चुका, तो क्या feel करते हैं सर? And क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेके राधा को लेके? ये गाना बहुत melodious है, बहुत अच्छा गाना है, बहुत बढ़िया composition की है. Normally he is known for arranging songs, so but बहुत अच्छा compose किया.
और जो ध्वनि का टेक्सचर भी आया वॉइस का उसमें बहुत ही डिफरेंट आया है, जो पॉप एक्चुअल पॉप गाने होते हैं नॉर्मली वी मेक फिल्मी काइंड ऑफ सॉन्ग जो हमारे फिल्म के हिसाब से होते हैं, प्लस हम नॉन फिल्म में भी उसी तरीके के बनाते हैं, दिस इज आर एक्चुअल पॉप जो होना चाहिए उस तरीके का गाना है, विजुअली ऑल्सो दे हैव गिवन अ वेरी इंटरनेशनल लुक टू इट, सो वेरी एक्साइटेड इस टाइप का गाना अगर पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करे जो हमने इतनी मेहनत से बनाया तो वी विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज़ अ न्यू स्टाइल विच वी वॉन्टेड टू पोर्ट्रे फ्रॉम ध्वनि भानुशाली, सो लेट्स होप कि ये गाना बहुत अच्छा चलता है। जैसा कि ध्वनि जी ने कहा सर कि सर ने बताया कि ये कट करो, मतलब सभी की निगाहें होती है आपके ऊपर कि ये लाइन सर को पसंद आएगी या नहीं आएगी, तो कितना प्रेशर होता है सर जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है लाइक? इसी देखिए कोई भी गाने में यू नीड टू हैव मेलेडी होनी चाहिए, मेलेडी मतलब वैसी जो आप गुनगुना सकें, तो जहाँ मुझे सुनते वक्त ये लगता है कि ये मैं गुनगुना नहीं पा रहा हूँ और पब्लिक भी इसको गुनगुना नहीं पाएगी तो वो मैं चेंज करने के लिए बोलता हूँ, एंड देन इट डिपेंड्स ऑन लिरिक्स ऑल्सो, कभी लिरिक्स होते हैं जो आप बहुत मतलब आपको याद नहीं रहेंगे तो वो सिंपल होने चाहिए और याद आने वाले होने चाहिए, तो वो चीज़ों का हर गाने में हम वो ध्यान देते हैं। ध्वनि जी अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने देखा था नाउ ये, तो कितना प्रेशर बढ़ जाता है कि जितने भी गाने आपके आ रहे हैं बैक टू बैक मिलियंस ऑफ व्यू आ रहे हैं, किसी पे मिलियन भी चले जा रहे हैं, तो कितना प्रेशर बढ़ जाता है? किसी पे मिलियन भी चले कोई छोटी बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है, कितना प्रेशर बढ़ जाता है? आई थिंक मैं इफ आई फोकस ओनली ऑन द प्रेशर में मुझे काम नहीं होगा, सो माइट एज़ वेल नॉट डू दैट, यू नो बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज द कंपनी दे कैन टेक केयर ऑफ इन टर्म्स ऑफ, हमें सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, हमें अच्छे गाने बनाने, एंड आई थिंक आई फोकस ऑन दैट, आई डू, बट ऑफ कोर्स little bit at the back of your head there's always a little bit pressure ki you know ye chalna chahiye people should like the song so little bit to hota hi hai but abhi usko avoid to kar nahi sakte Dhwani is birthday pe kya wish mangi aapne aisa koi plan kiya ki is saal mujhe ye karna hai matlab so maine gaadi khareed liya hai ji I'm just very happy main sirf god ko thank you bolne gayi thi ki you know 3 साल से जो मेरा करियर चालू हुआ है इट्स बिन प्रिटी अमेजिंग, आई हैव बिन ब्लेस्ड, आई जस्ट वेंट देयर टू गिव माय ग्रैटिट्यूड कि उन्होंने मुझे इतना सब दिया एंड टू बेसिकली आस्क ब्लेसिंग्स फॉर पीपल अराउंड मी फॉर एवरीवन दैट वर्क्स ऑन मी फॉर माय फैमिली माय डैड हु इज राइट हियर एंड यू नो बस थैंक यू बोलने के लिए और कुछ नहीं। ध्वनि जी जैसा कि आपने हुसैन सर के बारे में बताया कि माई फर्स्ट सो आई टेल यू व्हाट मेरे जो भी मैं चीज़ करती हूँ पापा को सब पता होता है वो सारे डिसीजन लेते हैं सो पहले जब हमने गाना बनाया था आई थिंक डैड वॉज द फर्स्ट पर्सन टू हियर इट उसके बाद वी वर लाइक कैन वी सेंड दिस टू भूषण जी प्लीज कैलाश सो डैड बेसिकली ऑलवेज हैज़ अमेजिंग इनपुट्स ही इज ऑलवेज एनकरेजिंग और आई थिंक वी मेड दैट इन 12 आवर्स एंड लाइक आई सेड ही नोज एवरीथिंग उनका इनपुट हर एक चीज जो मैं करती हूँ उसमें होता है एंड अगर फ्यू लाइंस किसकी गा सके लाइक आप गाएंगे मेरे साथ Thank you.
बस बस उसको अभी आधा कर दो, उसका आधा कर दो।